Now children, let us study genetic disorders. As it you can see that there are two types of genetic disorders. One is called as Mendelian disorder and second one is called chromosomal disorders. Now Mendelian disorders mainly deal with the single gene disorders. If there is a change in the gene, maybe both the alleles, there is a change in the allele or a change in the base pair. So it may be called as point mutations, change in the point, certain points like in the gene change or in the maybe change in the base pair, then result in the Mendelian disorders. But in chromosomal disorders, what happens? The whole set of chromosome means either maybe insertion, one extra chromosome is inserted or deleted. So there is a complete change in the chromosome itself. क्रोमोजोमल नंबर, तो जैसे कि ट्राइजोमी हो सकता है, एक दो एक पेयर होता है क्रोमोजोम्स का, होमोलोगस क्रोमोजोम्स का एक पेयर होता है जो एक जैसे होते हैं, वो एक पेयर बनाते हैं, बट समटाइम्स इट मे बी नॉट टू बट थ्री क्रोमोजोम्स टुगेदर, तो इट रिजल्ट्स, या नहीं तो दो क्रोमोजोम्स होने चाहिए, पेयर होने चाहिए, उसके जगह सिर्फ एक ही क्रोमोजोम है. तो ये हो सकता है कि मतलब जब हम लोग का मियोसिस हो रहा है या माइटोसिस हो रहा है, तो उस समय क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो उनको एक दूसरे से अलग हो जाना होता है. ठीक है, मेटाफेज प्लेट में जो इक्विटोरियल प्लेन प्लेट पर जो क्रोमोसोम्स लाइन होते हैं, उसमें से क्रोमोसोम्स को अलग होना होता है, बट दैट टाइम दे वो अलग नहीं होते हैं. तो दिस रिजल्ट्स इन द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, दिस मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड दिस इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. Let us study the Mendelian disorder, that is first is autosomal dominant disorder and second is autosomal recessive. सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि we are talking about autosomes, that is single gene disease on non-sex chromosomes. We are talking on the autosomes. So it can be dominant one or it can be recessive one. In your book it is given, और यहाँ पर Mendelian disorders बहुत सारे दिए हुए हैं, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल किटोन्यूरिया, और फिर कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड थैलेसेमिया. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफिटर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. अब आ रहा है इन द बुक एज इट इज़ रिटन इन द पेडिग्री एनालिसिस, एक दो रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है, उसके अनुसार कैसे हम लोग नेक्स्ट जनरेशन का, हाउ इफ़ फीमेल और द मेल इज़ अफेक्टेड और करियर है, तो कैसे आगे के जनरेशन भी अफेक्टेड होंगे, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है इसको समझने के लिए. तो फर्स्ट वन इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, जिसमें कि एक एग्जाम्पल है वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉपी है. व्हाट डू यू मीन बाय मायोटोनिक डिस्ट्रॉपी? मीन्स मसल डिग्रेडेशन टेक प्लेस, मसल्स का डिग्रेडेशन हो जाता है. सो एक है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट. तो इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत अच्छे से ये याद रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंस इन द ऑटोसोम्स. तो ऑटोसोम्स है तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स क्रोमोसोम्स एंड द वाई क्रोमोसोम्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोसोम्स में जो एलील प्रेजेंट है. सपोज यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है और बहुत अच्छा से दिया हुआ है कि यहाँ पर जो फीमेल है शी इज़ अफेक्टेड, क्योंकि इसके पास जो कंडीशन है, ये जो इसका जीनोटाइप है, जीन्स का जो टाइप है वो है एक डोमिनेंट ए है और एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है. तो डोमिनेंट ऑटोसोमल ट्रेट में क्या होता है, एक भी एलील उसमें डिजीज्ड होगा ना, तो वो एक भी एलील, दो कॉपी होता है ना, एक जीन का दो कॉपी होता है और दो उस कॉपियों को हम एलील्स कहते हैं. तो दोनों एलील में से अगर एक भी एलील डिजीज होगा, वो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट और डिजीज्ड है, तब वो अफेक्टेड हो जाएगा. मगर यहाँ पर जो मेल है ना, इट इज़ नॉट कैरिंग एनी टाइप ऑफ नॉर्मल है ये, क्योंकि इसने होमोजाइगस कंडीशन में कोई भी अपना डिजीज वाला कैरी नहीं किया है, डोमिनेंट कैरी नहीं किया है, तो ये नॉर्मल मेल है. लेकिन जब उसके बच्चे होंगे, तो यहाँ पर जैसे हम लोग एक एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पर जब पेडिग्री एनालिसिस हो रहा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉपी का, मायोटोनिक डिस्ट्रॉपी, सो व्हाट हैपेंस हियर, अगर हम ये फीमेल को हम अगर इफेक्टेड दिखाते हैं
और एक मेल को अनइफेक्ट दिखाते हैं, तो इनका जो जीनोटाइप है ना वो AA होगा, और यहाँ पर ये होमोजाइगस कंडीशन में ये दोनों नॉर्मल मेल होगा, ठीक है, रिसेसिव है ये, इसमें ये ना कैरी कर रहा है ना कुछ कर रहा है, मगर ये एकदम, क्योंकि एक भी एलील इसमें डोमिनेंट और वो डिजीज हुआ तो वो अपना डिजीज़ दिखा देगा, वो अपना वो नॉर्मल फीमेल नहीं होगी, वो डिजीज्ड मेल होगी। तो एक ये कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि नॉर्मल फीमेल हो सकती है, एक मेल हो सकता है जो कि अफेक्टेड क्या डिजीज्ड मेल हो सकता है, दूसरा एक नॉर्मल मेल हो सकता है, फिर एक डिजीज्ड फीमेल भी हो सकती है। तो ये कहाँ से आता है, जैसे हम लोग ये वाला बनाते हैं ना, ऐसे हम लोग जब इस तरह के बनाते हैं ए ए, इस तरह हम लोग को ये आदत है इस तरह का बनाने का, तो इसमें इस तरह के आ सकते, मीन्स दिस टाइप ऑफ कंडीशंस में अराइज, 50% इस तरह के कंडीशन हो सकता है, डोमिनेंट जीन डोमिनेंट जीन कैरी कर रहा होगा और अदरवाइज रेसेसिव कैरी कर रहा होगा। तो अगर एक भी कॉपी अलील का अलील, एक भी अलील अगर डोमिनेंट चला गया, डिजीज चला गया, तो पूरा का पूरा जो है वो आइदर मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी जिनके पास इस तरह का चला जाएगा, एक भी कॉपी चला गया, तो वो डिजीज्ड हो जाएंगे। सो यहाँ पर दूसरा क्या है कि अगर हम नॉर्मल के साथ, फिर वो नॉर्मल के साथ अगर हम किसी नॉर्मल फीमेल को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, मेट कराते हैं, तो जो उनके जो बच्चे होंगे दे विल बी ऑल नॉर्मल। लेकिन यहाँ नॉर्मल डिजीज्ड फीमेल, यहाँ डिजीज्ड फीमेल के साथ इनका भी AA और AA है, और कोई डिजीज्ड फीमेल है उनके साथ एक नॉर्मल मेल का अगर हम लोग मेटिंग कराते हैं, तो जो कंडीशन आएगा वो इस तरह का होगा, नॉर्मल मेल इस तरह का आया, एक एनालिसिस आया, तो उसमें ये समझ में आया कि अगर एक भी कॉपी उसमें डोमिनेंट आ गया तो वो डिजीज्ड कंडीशन होगा, ठीक है, एक भी कॉपी उसमें दोनों में से एक कॉपी भी, एक कॉपी मीन्स एक एलील भी अगर डोमिनेंट हो गया तो वो पूरा ही डिजीज्ड हो जाएगा। डिजीज्ड को हमने इस तरह का ये करके दिखाया है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट इज इन द सिकल सेल एनीमिया इन द ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव हियर इट इज सिकल सेल एनीमिया। व्हाट हैपेंस, इसका एक पेडिग्री दिया हुआ है, इसका एक पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है, उसके अनुसार लेट अस स्टडी हियर। एक हम लोग मेल ले रहे हैं, एक मेल ले रहे हैं और एक फीमेल ले रहे हैं, देखने में दोनों नॉर्मल लग रहे हैं, बट इसमें क्यों ये नॉर्मल लग रहे हैं पता है, बिकॉज देखने में नॉर्मल लग रहे हैं मगर जीनोटाइप उनका हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस मीन्स ऑटोसोमल रिसेसिव का ये एक कंडीशन होता है कि वो होमोजाइगस होंगे तभी जा करके, होमोजाइगस होने चाहिए और रिसेसिव होने चाहिए, ठीक है, रिसेसिव मतलब हम लोग रिसेसिव तो हम लोग स्मॉल से दिखाते ही है, तो होमोजाइगस होने चाहिए और रिसेसिव होने चाहिए तभी जा करके वो डिजीज़ दिखाएंगे। तो ये जो मेल और जो फीमेल है ना, बोथ आर कैरियर फॉर द डिजीज़ बट दे आर अनइफेक्टेड, लेकिन वो आगे जो उनके बच्चे होंगे, उनके जो आगे बच्चे होंगे, ये मेल हुआ ए और एक मेल हुआ, एक फीमेल हुआ और एक फीमेल हुआ, ये प्रोबेबिलिटी में जो हुआ इसमें से एक मेल जो है वो इफेक्टेड होगा और एक फीमेल जो है वो भी इफेक्टेड फीमेल हो जाएगी, क्योंकि दोनों के पास रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में एलील्स जाएंगे। जैसे अगर हम इनका गैमेट्स अगर हम अलग अलग करते हैं, जैसे यहाँ हम गैमेट्स अलग अलग कर रहे हैं, सपोज़ यहाँ हम गैमेट्स अलग कर रहे हैं, ये कैपिटल ए, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इनका अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं तो डेफिनेटली 50% के पास इस तरह का डोमिनेंट चला जाएगा, या मतलब कुछ 1/4 के पास ये चला जाएगा और फिर 50% के पास ये चला जाएगा और कुछ के पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये चला जाएगा,
कुछ के पास कैपिटल ए वाला चला जाएगा, डोमिनेंट चला जाएगा, होमोजाइगस। कुछ के पास रिसेसिव चला जाएगा, होमोजाइगस, किस और कुछ के पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में जीन जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस ये कंडीशन दिख रहा है, ठीक है, ये कंडीशन इसलिए दिख रहा है। अगर हम ये क्रॉसिंग करते हैं अपने कॉपी में भी, अगर ये क्रॉसिंग करोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये कंडीशन अराइज हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मल फीमेल के साथ एक नॉर्मल मेल को हम मीटिंग करते हैं, जैसे हमको ये नॉर्मल दिख रहा है, ये हमको नॉर्मल दिख तो रहा है, तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि इट इज़ कमिंग इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, इट इज़ कमिंग इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, और ये हो सकता है कि ये नॉर्मल मेल हो, ठीक है, ये नॉर्मल मेल है और ये हेट्रोजाइगस फीमेल है। तो जब इनके बच्चे होंगे तो डेफिनेटली जो मेल एक मेल होगा इसमें एक मेल होगा, वो एक हो सकता है कि ये होमोजाइगस रिसेसिव हुआ और बाकी दो नॉर्मल फीमेल आया, तो हो सकता है कि ये सॉरी इसमें तो ये रिसेसिव होना ही नहीं चाहिए, ये डेफिनेटली हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये भी था, ये भी हेट्रोजाइगस था, ये भी हेट्रोजाइगस था, दोनों हेट्रोजाइगस था, इसलिए ये या ये हेट्रोजाइगस ऐसे रहा है या ये होमोजाइगस डोमिनेंट रहा है। डोमिनेंट ए ए है, ये ध्यान से देखो, यहाँ डोमिनेंट ए है तब भी ये नॉर्मल है, या हेट्रोजाइगस है तब भी नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल कब होगा, जब ये इसके पास भी इस तरह का हेट्रोजाइगस कंडीशन है या इसके पास इस तरह का कंडीशन है। डेफिनेटली ये होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है बिकॉज इसका एक मेल जो है वो ये भी डिजीज्ड है, तो हो सकता है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में, आइदर ऑफ द पेरेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, इसीलिए एक जो है चाइल्ड जो है वो डिजीज्ड कंडीशन में है। तो इसको तुम लोग थोड़ा देखोगे ध्यान से, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द हीमोफीलिया एंड उसके व्हाट आर द रीजंस। ये तो हमने जस्ट वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट वेज हाउ वी कैन फाइंड आउट द पेडिग्री एनालिसिस, हाउ वी कैन नो दैट हेट्रोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन और द डोमिनेंट और द रिसेसिव ट्रेट्स। एंड नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी ऑन द हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड नेक्स्ट फिनाइलकेटोन्यूरिया एंड नेक्स्ट इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके।